4500 mAh की काफी बड़ी बैटरी, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर और इसी के साथ 5G की कनेक्टिविटी। मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी A52s के बारे में। तो वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे A52s के बारे में। ये स्मार्टफोन बहुत ही जल्दी इंडिया में देखने को मिल जाने वाला है और इस स्मार्टफोन के बारे में काफी ज्यादा लीक्स निकल के बाहर आ चुकी है। और इस स्मार्टफोन का जो मेन हाईलाइट होने वाला है, कैमरा सेटअप और इस स्मार्टफोन की 5G कनेक्टिविटी और परफॉर्मेंस। अगर इस स्मार्टफोन के बारे में आपको भी जानना है तो इस वीडियो पे आप बने रह सकते हैं। उससे पहले अगर नहीं किया इस वीडियो को लाइक तो आप कर सकते हैं, चैनल को अगर नहीं किया सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। 6.7 इंच की फुल स्क्रीन सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा, इन्फिनिटी ओ कटआउट के साथ देखने को मिल जाएगा। कहने का मतलब है लगभग A52 जैसी स्मार्टफोन के डिस्प्ले देखने को मिलेगी और इस स्मार्टफोन में 120Hz की रिफ्रेश रेट प्रोवाइड की जाएगी। डिस्प्ले इस स्मार्टफोन की काफ़ी बेहतर होने वाली है। लोगो डिजाइन के बारे में बात कर ले, बैक साइड में मैट फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी, जो सैमसंग कहता है कि पॉली कार्बन बॉडी देखने को मिल जाएगी, क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। इन सब बातों को रख देते साइड में, बात कर लेते इस स्मार्टफोन के मेन हाईलाइट के बारे में, जो इस स्मार्टफोन का कैमरा सेटअप है हर किसी के लिए। तो बैक साइड में देखने को मिलता है वही क्वाड कैमरा सेटअप। 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिल जाएगा, 32 मेगापिक्सल का एक इन्फिनिटी ओ कटआउट के साथ कैमरा देखने को मिल जाएगा। A52 जैसा होगा यहाँ पर कैमरा, लेकिन यहाँ पर 19 पीस का फर्क देखने को मिल जाएगा, थोड़ा यहाँ पर डिफरेंट किया जाएगा। लेकिन कैमरे में आपको हर तरह के फीचर्स यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएंगे, सुपर स्लो मोशन और 4K का भी यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस के बारे में, जो बहुत लोगों के लिए मायने रखती है कि स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस कैसी होगी, तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर होगी, क्योंकि स्मार्टफोन में सैमसंग की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा स्नैपड्रैगन क्वालकॉम 778 का प्रोसेसर प्रोवाइड किया जाएगा, जो प्रोसेसर काफ़ी बेहतर है। परफॉर्मेंस में ये स्मार्टफोन आपको काफ़ी बेस्ट एक्सपीरियंस दे देगा और इस स्मार्टफोन में 5G की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी और ओवरऑल इस स्मार्टफोन में आपको डुअल 5G का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा और परफॉर्मेंस में ये स्मार्टफोन आपको काफ़ी बेहतर एक्सपीरियंस दे देगा गेमिंग में। तो इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर होगी। बात करें इस स्मार्टफोन के UI के बारे में, आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 का अपडेट देखने को मिल जाएगा, सैमसंग का 1U 3.1 UI देखने को मिल जाएगा और इस स्मार्टफोन में आपको हर तरह के फीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में, क्या प्राइस रखी जाएगी। 25,000 से 30,000 के बीच में ये स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिल जाएगा। लॉन्चिंग डेट के बारे में बात करें तो ये स्मार्टफोन आपको सितंबर के एंडिंग में इंडिया में देखने को मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन के बारे में और भी कुछ लीक्स निकल के पाएगी, मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर सकते हैं, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना। 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट है, पूरा करने में ज़रूर मदद करना। उम्मीद है कर लोगे। तो फिर मिलेंगे ऐसे कोई अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड